जनपद संभल के चंदौसी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान एवं संस्कार भारती संभल के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी साहित्य विषय पर संगोष्ठी तथा काव्य गोष्ठी का गौशाला रोड स्थित यदुवंशी गार्डन में हुआ आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित करके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राज नारायण शुक्ल, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निदेशक पवन कुमार, संभल जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य वक्ता डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, संस्कार भारती के प्रांतीय महामंत्री सुधाकर आशावादी, मंच संचालक डॉक्टर अमिता दुबे आदि ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर विस्तृत चर्चा की, साथ उस दौरान हिंदी साहित्य के योगदान पर प्रकाश डाला। सवाल, आप चंदौसी आई, आप दूसरी बार चंदौसी आई हैं, कैसा आपको लगा चंदौसी आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो चंदौसी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ से, उन्होंने एमए यहाँ से किया था, तो मैं बचपन से यहाँ पर आती जाती रही। पूरा परिवेश मेरा पारिवारिक परिवेश है और एक बार मैं आ चुकी, उसका अनुभव तो मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अनुभव मैं अपना लेकर यहाँ से गई थी। बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी शायरी यहाँ पढ़ी और विशेष तौर पर मुझे बहुत यहाँ से स्नेह मिला। दूसरी बार मैं यहाँ पर आई हूँ तो ऐसी अपेक्षा फिर करती हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से मैं लोगों के दिलों में दोबारा जगह बनाऊँ। अच्छा, अभी आपका एक गीत आया था काबा, सोशल मीडिया पर काफ़ी आपका चर्चाओं में रहा, तो मैं चाहूँगा दर्शकों को उसकी एक लाइन आप सुना दीजिए। नहीं नहीं, आप गलती कर रहे हैं, वो मेरा गीत नहीं था, वो अनामिका जैन अंबर जी का गीत था। थैंक यू। आयोजन हुआ है, आपकी उपस्थिति हुई है सर, मुख्य अतिथि हैं, क्या कहेंगे सर? आज जैसा आप जानते हैं कि हम लोग देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के क्रम में ही चंदौसी में हमने एक विचार गोष्ठी और एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। जो विचार गोष्ठी है वो मुख्यतः साहित्य पर केंद्रित है और आप इस कवि गोष्ठी में जो हमारे देश के प्रदेश के नामचीन कवि हैं उनको सुनने का आपको अवसर मिलेगा। मेरी आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को जरूर सुने, जरूर देखें और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग संस्थान के माध्यम से यह संदेश देने का काम कर रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे तमाम लोग जिनकी पहचान, जिनकी स्वीकार्यता नहीं हो पाई, उनको भी हम लोग जगह जगह जाकर लोक चेतना के माध्यम से उनको सामने लेकर और संस्था का काम अच्छा।